पटना में विपक्ष की कल बड़ी बैठक होनी है और महाबैठक से पहले नेताओं की जुटान आज से शुरू हो गई है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री पटना पहुंच चुके हैं। सबसे पहले अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो ममता बनर्जी पटना पहुंची, इसके बाद अरविंद केजरीवाल, फिर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान केजरीवाल के साथ ही पहुंचे। लेकिन अब जो तस्वीर है, एम के स्टालिन पटना पहुंच चुके हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। विपक्ष की बड़ी बैठक में शामिल होने के लिए स्टालिन पटना पहुंचे और स्टालिन का ये बिहार दौरा कई मायनों में अहम होना है। तेजस्वी यादव जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, वो खुद रिसीव करने के लिए पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं और आप जैसा कि तस्वीरों में देख सकते हैं, ये तस्वीर पटना के जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीर है और आप देख सकते हैं एक एक कर जो गाड़ियों का काफिला है वो निकल रहा है और आप देख सकते हैं सामने की गाड़ी में जो है वो एमके स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं वो बैठे हुए हैं और तेजस्वी यादव ने उन्हें आमंत्रित किया। देश के तमाम विपक्षी दलों के नेताओं की जुटान की जब बात हो रही थी तब स्टालिन को न्योता सबसे आखिरी बार भेजा गया था क्योंकि स्टालिन से पहले ही टेलीफोनिक बात नीतीश कुमार की हुई थी। इसके अलावा तेजस्वी यादव कई बार जो है वो तमिलनाडु का दौरा कर चुके थे लेकिन अब स्टालिन पटना पहुंच चुके हैं। पटना में विपक्ष की बड़ी बैठक में कल वो शिरकत करेंगे। बीजेपी के खिलाफ ऑपरेशन लोटस जो ये विपक्ष की चलने वाली है, साफ तौर पर इसे ये समझें कि 2024 के चुनाव का संखनाद जो है, चुनावी संखनाद वो कल होगा लेकिन आज पटना जो है वो पूरी तरीके से कहें मेहमानों से गुलजार है। कई अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, कई अलग अलग राज्यों के नेता पटना पहुंच चुके हैं। दीपांकर भट्टाचार्य, सीताराम येचुरी, डी राजा के अलावे महबूबा मुफ्ती भी पटना पहुंच चुकी है और ये भी खबर है कि अमर अब्दुल्ला जो है वो भी पटना पहुंचने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले जो है ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, एमके स्टालिन पटना पहुंचे उसकी ये तस्वीर है। देखिए स्टालिन को लेकर जब भी चर्चा हो रही है तब ये साफ तौर पर समझे कि तमिलनाडु के दक्षिण के इलाकों में एक बहुत बड़ा स्तंभ जो है वो उनकी पार्टी डीएमके है। हाल ही में तेजस्वी यादव जब गए थे तमिलनाडु, वहां पर स्वर्गीय करुणानिधि के कार्य समारोह में जो है वो सम्मिलित हुए थे। उस कार्यक्रम से लौटने के बाद तेजस्वी यादव भी पटना पहुंचे और आज शाम जो है वो ये एमके स्टालिन भी पहुंच चुके हैं। विपक्ष की धार जो है वो पटना में दी जाएगी कल। तमाम दलों के नेताओं की जुटान होगी और ये तय किया जाएगा कि किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़े और दक्षिण के इलाकों में, जहां साउथ के इलाकों में तमिलनाडु की मैं बात कर रहा हूं, एमके स्टालिन जहां के मुख्यमंत्री हैं वहां एक बहुत बड़ा वर्चस्व कह सकते हैं इनके पार्टी का है। तो बीजेपी को अगर रण में पछाड़ना है तो स्टालिन की बातों को भी गौर करना होगा। स्टालिन कल क्या कुछ बातें रखेंगे वो हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।